नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Huli Phone Armor 12 5G versus Realme GT 2 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Armor 12 5G में 6.93 इंच जबकि GT 2 Pro में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Armor 12 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Armor 12 5G में 3.25 इंच जबकि GT 2 Pro में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Armor 12 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Armor 12 5G में 0.56 इंच जबकि GT 2 Pro में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Armor 12 5G में 296 ग्राम्स जबकि GT 2 Pro में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Armor 12 5G में IPS LCD जबकि GT 2 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Armor 12 5G में 16:9 जबकि GT 2 Pro में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Armor 12 5G में 6.52 इंचेस जबकि GT 2 Pro में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Armor 12 5G में 720x1600 और GT 2 Pro में 1440x3216 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Armor 12 5G में 70.72% जबकि GT 2 Pro में 88.9% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Armor 12 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT 2 Pro में 526 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Armor 12 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और GT 2 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में माइक्रोस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Armor 12 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और GT 2 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Armor 12 5G में Mali G57 MC2 जबकि GT 2 Pro में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Armor 12 5G में MediaTek Dimensity 700 और GT 2 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Armor 12 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि GT 2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Armor 12 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि GT 2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Armor 12 5G में अप टू 1TB जबकि GT 2 Pro में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Armor 12 5G में Android V11 जबकि GT 2 Pro में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Armor 12 5G में 5180 mAh जबकि GT 2 Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
आर्मर 12 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 43,200 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT 2 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो उलेफोन आर्मर 12 5G में 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी GT 2 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT 2 Pro आगे है, मेन कैमरा में GT 2 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT 2 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 10 Pro 5G है, दूसरा Vivo X70 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A73 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi 11 i Hypercharge है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।